परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के संगति में आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। आई रियली थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम। पिछले दिनों में मैं परमेश्वर के वचन से कलीसिया के बारे में सीख रहे थे। वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द प्रायोरिटीज ऑफ चर्च और द इन्फ्लुएंस द चर्च कैरीज। नहीं तो कलीसिया किस रीति से उसका इन्फ्लुएंस बना के रखता है, हम उस चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी वर डिस्कसिंग दैट चर्च इज बीन गिवन एन एग्जाम्पल विच इज़ पैराफ्राइज्ड एज ए प्लांटेशन और ए फार्म। कलीसिया को एक खेत के समान, नहीं तो एक प्लांटेशन के समान उदाहरण के रूप में बताया गया है। तो उसी के उदाहरण के कंटिन्यूशन में आज बताने का चाहता हूँ। सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इट इवन टूडे। तो कलीसिया को एक खेत के समान, नहीं तो एक प्लांटेशन के समान बाइबल में वर्णन किया गया है, वो एक उदाहरण के समान हम लोग ले सकते हैं। वी कैन टेक चर्च एज एन एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग ए फार्म और एन अ प्लांटेशन। सो द थिंग वी सी इन ए फार्म और ए प्लांटेशन, द पर्सन हु प्लांट्स और फार्म्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, द रियल कॉन्सेप्ट इज दैट ही शुड गेट सम फ्रूट। तो जो कोई भी खेत करता है, जो कोई भी प्लांटेशन लगाता है, उसका मकसद एक ही चीज़ है, कुछ ना कुछ फलदायक होना जरूरी है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड चर्च शुड प्रोड्यूस फ्रूट। कलीसिया भी क्या करना चाहिए, फल देने की अनुभव जरूरतमंद से जरूरी है। इफ यू टर्न अवर बाइबल्स टू साम्स चैप्टर 1:6, भजन संहिता पहली अध्याय उसकी 26 वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं। इट सेज सॉरी साम्स चैप्टर 1:6, इट सेज एंड ही विल बी प्लांटेड लाइक ए ट्री फर्मली प्लांटेड एंड फेड बाय द स्ट्रीम ऑफ वाटर विच यील्ड्स इट्स फ्रूट इन इट्स सीजन। इफ इट्स लीफ डज नॉट विदर एंड इन वॉट एवर ही डज ही प्रॉस्पर्स। तो पहली भजन संगीता उसकी पहली अध्याय उसकी 26 वचन अगर हम लोग पढ़ते तो देख सकते हैं, जो परमेश्वर की वचन की ध्यान करता है वो ऐसा एक पेड़ के समान है जो नाली के निकट में उपयुक्त वाले एक पेड़ है, उस पेड़ के समान लिखा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें बहुत शक जरूरी से मालूम पड़ने वाला है, एक अनुभव दैट प्लांट बियर्स फ्रूट। यहाँ पे जो पेड़ है वो पेड़ में क्या है, फल। इट यील्ड इट्स फ्रूट इन इट्स सीजन, उसका उपयुक्त समय में फल की उत्पन्न होने के अनुभव हम लोग देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ही डिलाइट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है, नहीं तो परमेश्वर के वचन की ध्यान करता है, वो उस पेड़ के समान है जो फलदायक बन सकता है, नहीं तो अपने सीजन में फल देने के अनुभव हो सकते हैं। सो इफ यू रीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैसेज, इट सेज हूएवर डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड, हूएवर मेडिटेट्स ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, हूएवर स्टार्ट्स हैबिचुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, they are like a tree which is beside the stream of water but and it will yield its fruit in its season। to uska phal kya karega, upayukt samay mein dega, it will start bearing fresh fruit every month। har mahine mein wo kya karega, achhi fresh phal kya karega dega। kyun? why? बिकॉज इट इज़ प्लांटेड इन एडन। क्योंकि वो कहाँ पे है, एडन की वाटिका में उपलब्ध है, नहीं तो परमेश्वर उस वाटिका, परमेश्वर की फार्म में हो वो है, नहीं तो परमेश्वर की प्लांटेशन में हो। बिकॉज द ट्री इज इन द फार्म ऑफ एडन, सो इट विल बी अ फ्रूट। हेलो, तो हमें मालूम करने वाले अनुभव कलीसिया खेत के उदाहरण में बताया गया है, प्लांटेशन के उदाहरण में बताया गया। तो उसका मकसद एक ही चीज है, फल। इफ चर्च इज बीन टेकन इन एन एग्जाम्पल यूज्ड एज ए प्लांटेशन और ए फार्म, सो द फाइनल प्रोडक्ट शुड बी द फ्रूट, देर शुड बी सम फ्रूट। इफ देर इज नो फ्रूट, सो देन द प्लांटेशन इज कंप्लीटली वेस्ट। अगर फल नहीं है, फार्म की प्लांटेशन सब कुछ वेस्ट है, ऑल द लेबर इज वेस्ट। जितना परिश्रम किया गया है वो परिश्रम पूरी तरीके से क्या हो जाता है, व्यर्थ, वेस्ट बन जाता है। हेलो, इसलिए बाइबल
फल को तीन रीति से विवरण करता है. बाइबल सेज अबाउट द फ्रूट इन थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. इफ यू आर ए फ्रूटफुल वन, बिकॉज इफ यू सी जेनेसिस चैप्टर 49:22, उल्पत्ति का किताब उसकी 49 की 22वां वचन यूसुफ के बारे में बताया गया है. इट सेज अबाउट जोसेफ, व्हाट डज इट सेज? यूसुफ, यूसुफ के बारे में बताया गया, जोसेफ इज ए फ्रूटफुल बाओ, ए मेन ब्रांच ऑफ द वाइन, ए फ्रूटफुल बाओ बाय द स्प्रिंग, ए वेल, ए फाउंटेन, इट्स ब्रांचेस रन ओवर द वॉल इन्फ्लुएंसिंग अदर. हेलो, यहाँ पे यूसुफ के बारे में बताया गया. यूसुफ वो उस द्राक्षलता के समान है जो क्या है, फल पूर्वक है. इट इज फुल ऑफ फ्रूट. यूसुफ इज फ्रूटफुल. हेलो, आर यू फ्रूटफुल? इफ चर्च इज नेम्ड और एग्जाम्पल्ड एज ए फार्म और ए प्लांटेशन, इट शुड हैव फ्रूट. सो वॉज जोसेफ. जोसेफ भी उसी समान था. वो क्या फलदायक था, फलपूर्ण था. ही मेड हिज लाइफ टू बी फ्रूटफुल. वो अपने जीवन को फलदायक रीति से क्या किया, परिवर्तन किया. क्यों? ही गॉट हिज रिसोर्सेस फ्रॉम द लॉर्ड. ही यूज टू मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड. ही हैड ए रिलेशनशिप विद गॉड. ही हैड फेलोशिप विद गॉड. His intimacy with God was so near, so that nothing could hinder him from being fruitful. तो अपने जीवन में कभी भी फल ना होने वाली स्थिति ही उसके जीवन में ना हुआ. क्यों? वो परमेश्वर के साथ था, वो परमेश्वर के वचन के आधारित था, वो परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम रखने वाला एक व्यक्ति था. उसका साथ परमेश्वर के साथ चल फिराओ हर दम लगा रहता था. उसका इंटीमेसी परमेश्वर के साथ था, इसीलिए वो फलदायक बना. जोसेफ इज फ्रूटफुल. ही ब्रॉट फ्रूट आउट ऑफ हिज लाइफ. अपने जीवन के माध्यम के द्वारा वो क्या क्या फल को लेके ला सका. इवन दो ही वॉज अलोन, ही वॉज लोनली, येट ही वॉज फ्रूटफुल. वो अकेला था, सबसे अलग, सब उसको एक एक अकेला बना के छोड़ दिया, तो भी वो अपने जीवन में क्या किया, फलदायक बना. ही वॉज इन्फ्लुएंसिंग पर्सन. वो सबको इन्फ्लुएंस करने वाला एक तत्व उसके अंदर था. हु? जोसेफ हैड एन टेंडेंसी टू इन्फ्लुएंस अदर्स. हिज एक्टिविटीज, हिज कैरेक्टर, हिज थॉट्स, हिज वर्ड्स यूज टू इन्फ्लुएंस अदर्स. पीपल यूज टू गेट अट्रैक्टेड टू हिम. No, we need to understand, if you are a person having qualities of life, jeevan ki shreshtata agar tumhare andar hai, people will be influenced, people will come near to you. That's the reason even in the jail people used to share their visions and their dreams, how influential he was. देखो, वो कैदी बनकर जेल में बने रहने पर भी वो इन्फ्लुएंस्ड था लोगों से. इसलिए तो लोग आकर उसको क्या करते थे, उसकी उनके क्या बोलते हैं, जो रात को देखने वाली जो ड्रीम्स को वो लोग एक्सप्रेस करने रीति से, बोलने की रीति से, दे यूज टू शेयर देयर ड्रीम्स. व्हाई? बिकॉज ही हैड सम गुड क्वालिटीज. उसके जीवन में अच्छे फलपूर्णता था. ही वॉज ए फ्रूटफुल गाय. We need to understand, if you are fruitful, obviously you will receive stones. People will throw stones. People will hit you. Why? Because you are fruitful. People will be back of you. Why? Because you are fruitful. That's the reason we need to understand, the church has been persecuted. Why? Because if the church is fruitful, obviously there will be stones.
There will be people throwing stones. Why? Why do they persecute the church? Because there is a growth seen. Because there is something fruitful seen. Because they are influencing people. Hello? To be fruitful, we need to be near the well or a fountain. And the fountain is from the Word of God. The fountain is from the Holy Ghost. The fountain is from the Word. The fountain is be received from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा क्या मिलता है? उसे स्रोता को हमें मिलता है, वो फाउंटेन हमें मिलता है. सो वी विल ऑब्वियसली ग्रो. दैट्स व्हाट 49 वर्स 22 सेज. जोसेफ इज ए फ्रूटफुल वाइन, ए फ्रूटफुल वाइन बाय द स्प्रिंग एंड इट्स ब्रांचेस रन ओवर द वर्ल्ड. हेलो, इफ यू आर फ्रूटफुल यू कैन नॉट स्टे इन ए पर्टिकुलर एरिया. यू विल start growing. The growth will be surrounded to the nearby places. जब तेरे जीवन में फल पूर्णता है, तू एक जगह में कभी नहीं रुक सकता. तू क्या करने लगेगा? बढ़ने लगेगा. You will be growing. It is indirectly expansion of the territory. Hello. If you are fruitful, if you receive the spring word, if you receive fountain, if you receive the touch of water, if you receive all the nutrients and all the minerals, you will obviously start growing. If you start growing, you will expand your territory. अपने सीमाओं को तू क्या करेगा? बढ़ाएगा. Why? Because you are fruitful. You cannot withhold in a particular area. एक जगह में तुझे कभी भी बंद करके रखा नहीं जा सकता. That's the reason, even though it took 13 years for Joseph to be inside, once he was fruitful inside, his loneliness, he just came out being fruitful, influencing other. Hello. Even his 13 years loneliness could not suppress his growth. उसकी उन्नति को, यूसुफ की उन्नति को क्या किया नहीं गया? 13 साल की इकलौपन, इकलौतापन बंद कर नहीं रख सका. क्यों? वहां पे भी वो अपने आप को बढ़ना. He started growing, growing, growing. Nobody could stop him. Hello. We need to understand, if you are a person having intimacy with God, nobody can stop you. Nobody can stop you from growing. Nobody can block you. Why? Because you receive all your qualities, all your requirements from God. That's the reason Bible says nobody can separate us from the love of Christ. If you are intimate with God, if your intimacy is correct and appropriate with God, if your fellowship is in oneness with God, no need to worry. You will obviously grow even in your loneliness. Even in your darkest pit, you will grow. Nobody can lock you up. That's the reason Joseph is being said. He was a fruitful guy. He was a fruitful wine. And the best quality of a wine is the moment the wine receives water, nutrients, minerals, and all the required things, it will be growing its territory. वो अपने जगह पर रुक कर बढ़ना शुरू कर लेता है. That's the quality of a vine. It cannot stay in one particular place. It will be start growing. It will occupy the place where it grew. जिस जगह में वो बड़ी है, उसी जगह में उसको occupy करने का शुरुआत कर लेता है. After occupying the place where it is been established, it will start searching for the next dimension. माने अपने जीवन में
नेक्स्ट आने वाली उन्नति को क्या करेगा, बढ़ेगा। दैट्स द रीजन इट सेज व्हाट इन 22, इट्स ब्रांचेस रन ओवर द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज द प्लेस द वाइन यूज्ड टू ग्रो, इट ऑक्युपाइड द कंप्लीट प्लेस एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्लेस लेफ्ट। So what does the wine do? It searches for a next dimension. That's the reason it says its branches run over the wall. Why? If the branches does not run over the wall, it cannot be influential to the person who is next to the world. Hello, are you there with me? अगर तुम अपने जीवन में उन्नति नहीं अनुभव करोगे तो तुम तुम्हारे करीबी जो क्या बोलते हैं दीवार को क्रॉस नहीं कर पाओगे। इफ यू कैन नॉट क्रॉस द वर्ल्ड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज सम डिफेक्ट इन योर ग्रोथ। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द चर्च शुड ग्रो विथ फ्रूट नॉट ओनली इनसाइड द फोर वॉल्स। चार कमरों की अंदर की बढ़ोतरी नहीं बोल रहा हूं, from the four walls boundary we need to get out growing. Why? to check out for the next dimension. That's the reason Jesus said love your neighbor. If you are in love inside the church, obviously it will be influencing factor to grow, let you out to your neighbor. Hello? Because the love of God is inside you. You are of God. Tum Parmeshwar ke ho. Isiliye tum kya karte ho? You are in love with God. God loves you, you love God, you have a fellowship, you have an intimacy, you have a time with God, fellowship with God. If it is the factor which is inside the four walls of the church, obviously it will be growing to the next level. It will search for the wall. It will cross the world. And run over the next world, influencing the neighbors. Hello. That's the reason Joseph had the greater quality. He started to influence others. That's the reason after 13 years of loneliness, he was influenced by the king himself. See how his growth was. कैसी उसकी उन्नति थी कि देखो, you need to understand. I am speaking to people who are lonely. Don't worry, you are lonely. Even in your loneliness, start growing with God. Start connected with God. Fix your eyes with Jesus. Get a word from God. Get dreams from God. Get visions from God. Be in touch with God. Even in your loneliness, start grow. Don't block your growth with unnecessary thoughts. Aju na jarurat wali chintaon se अपनी बढ़ोतरी को बंद मत करो। दैट्स द रीजन जोसेफ वास इंटीमेट विद गॉड। आई हैव अ वर्ड फॉर यू, इफ यू हैव लोनलीनेस इन योर लाइफ, दैट्स द परफेक्ट टाइम टू बी विद गॉड। बिकॉज in your loneliness, you get your 24 hours fixed and ready. You get your 7 days fixed and ready. You get your 365 days fixed and ready. Anytime you can contact God, there is no barrier.
बिकॉज देर इज नो वन. इफ यू कैन ग्रो इन सच सिचुएशन, डोंट वरी अबाउट ग्रोइंग आउटसाइड. हेलो, इफ यू गो टू ए प्लांटेशन और ए फार्म, हाउ इज अ सीडिंग और सीडलिंग और ए सैपलिंग इज बीन ग्रोन? इट विल बी kept inside a plastic bag, and the growth of that particular seed will be very limited. Once the growth is complete, obviously the growth of the root and shoot and all the thing will tear the bag, the plastic bag, and it will be ready for its expansion. That's the time the farmer or the planter, what does he do? He takes the seed or the sapling and he will make a particular and best area for you to plant it. Why? Because it saw something, he saw something great inside you. That's the reason. If you are inside a church and if you are growing, obviously you will be having your fruits. If that fruit is being grown in the area where you are, obviously you cannot stay anymore there. You will be starting searching for the next level. That's the thing Joseph did. He sought for his next level. That's the reason he shared a word with that prisoner, and he told, see, when you are back to the king, back to your job, just remember me. Hello, if you are not influencing others, you cannot open a way for your next dimension. Hello, Jesus never meant people to come inside a church and worship for 3 or 6 hours, that's all. No. The way you are growing inside the church, that growth should influence the outer world. People should know your growth. People should know your fruit. People should identify the sweetness you provide inside the fruit. तेरे अंदर की जो श्रेष्ठता है, तेरे अंदर की जो फलपूर्णता है, वो बाहरी दुनिया को मालूम करना है. इफ पीपल डू नॉट नो योर क्वालिटी, हाउ कैन दे आइडेंटिफाई व्हेन यू वेयर यू आर, कहां पे तुम हो, कैसे तुम हो, कैसे लोगों को पता चलेगा? दैट्स द रीजन the king of Egypt searched for Joseph. Yusuf ke liye dhoond raha tha. Why? He was fruitful. Even in his loneliness, even in his jail, even in his, what we say, dirty clothes, he was fruitful. That's the reason he received his next dimension to be the second person in the world, in Egypt. Why? His fruitfulness. Showed a way for the next level in his life. Because he was fruitful. That's the reason inside the jail, Joseph was the person given all the keys. हर प्रकार की चाबियां यूसुफ के हाथ में दिया गया था. क्यों? Because he was fruitful. Even though there were many a prisoners, they did not get such quality. They did not get such factors. But Yusuf got. Hello. Be fruitful, man. Be fruitful one. Low.
हैव सम स्पिरिचुअल क्वालिटीज, शो योर फिजिकल क्वालिटीज इन योर फ्रूट. लेट्स टर्न अवर बाइबल्स टू ड्यूटोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 13-16. हियर मोसेस ब्लेसेस जोसेफ. ड्यूटोनॉमी 33वां अध्याय उसका 13वां वचन से 16वां वचन तक इस प्रकार कहा गया, एंड ऑफ जोसेफ ही सेड, ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड बी हिज लैंड विद द प्रेशियस थिंग्स ऑफ हेवन विद द ड्यू एंड फ्रॉम द डीप वाटर्स दैट लाइज बीनेथ विद द प्रेशियस फ्रूट ऑफ द सन एंड विद द प्रेशियस प्रोड्यूस ऑफ द मंथ्स विद द बेस्ट थिंग्स ऑफ द एंशियंट माउंटेन्स एंड विद द प्रेशियस थिंग्स ऑफ द एवरलास्टिंग हिल. हेलो, दीज आर द वर्ड्स स्पोकन बाय मोसेस. फॉर हूम? फॉर जोसेफ. हेलो, व्हाट डज इट से? मोसेस ब्लेस्ड ऑल हिज किड्स. While Moses was blessing his all kids, he gave some important word for Joseph. What did he say? That's a great quality which a father gives a son. May the land be blessed by the Lord. Hello. Joseph was a person who was fruitful. It was been seen by his father. Why? Because he influenced the world. His growth was such a great extent. Even people in far countries could identify his greatness. That's the reason when there was no food, people used to come to buy food. How influential he was. That's the reason Moses says about Joseph, Joseph the blessed by God. He was a blessed one. If you are fruitful, you will be blessed in the land where you live. Lo, if you are fruitful, you are blessed. Why you are blessed? Because the land, the place, the area, the community, the society where you live, they should receive the fruit which you have inside of you. तेरे अंदर की जो फल पूर्णता है वो जो दुनिया में तू रह रहा है, जो देश में तू रह रहा है, जो कम्युनिटी में तू रह रहा है, वहीं के लोग उसको क्या करना चाहिए? टेस्ट करना चाहिए. सो इट शुड बी ब्लेसिंग टू द लैंड. उसके बाद क्या कहा जाता है? द बेस्ट फ्रेश ड्यू फ्रॉम हाई हेवन and the fountain springs from the depth. Hello. If you are a fruitful person, you will receive the best fresh dew from heaven. If you are a blessed person like Joseph, you will receive the best thing from heaven. You will receive the best fountain springing from the depths. Hello. You will receive the deep waters. Why? Because it is for your growth. You cannot be fulfilled by the little amount of water which is poured on you. तेरे ऊपर गिरा हुआ छोटी पानी के मात्रा से तू बड़ी कभी बढ़ेगा नहीं. यू विल स्टार्ट सर्चिंग टू ग्रो डाउन डाउन डाउन. योर रूट्स विल बी गोइंग डाउन डाउन डाउन. द मोर द रूट्स गो डाउन, द मोर बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रेश वाटर इट रिसीव्स. द
मोर द रूट ग्रोज द मोर द ब्रांच एंड द टॉप पार्ट ग्रोज टचिंग द स्काई. व्हाई? द हायर द ट्री इज द बेस्ट ड्यू इट कैन गेट, द फ्रेश ड्यू इट कैन गेट. जितना नीचा तुम जाते हो गहरा, उतना स्वच्छ पानी तुम पा सकते हो. जितना ऊंचा तुम बढ़ोतरी पाते हो, उतना स्वच्छ ड्यू पानी. हेलो, दैट्स द रीजन जोसेफ वॉज कॉल्ड ब्लेस्ड. ही वॉज ब्लेस्ड इन द प्लेस ही वॉज ग्रोइंग. जहां पे वो था, जहां पे उसकी बढ़ोतरी चलती थी, वो वहां पे फलपूर्ण था. उसकी आशीष की बढ़ोतरी गहराइयों में भी था, ऊंचाइयों में भी था. इफ यू आर ब्लेस्ड इन द लैंड यू ग्रो देयर बिलो, यू ग्रो टूवर्ड्स द टॉप. ऊपरी हिस्सा में भी बढ़ोगे, निचली हिस्सा में भी बढ़ोगे. दैट्स द रीजन इवन ए ग्रेट विंड कम्स, इट कैन नॉट अपरूट यू. जितना बड़ा हवा आने से क्या हुआ, कभी भी तुझे जड़ से उखाड़ नहीं सकता. दैट्स द रीजन व्हेन देयर वाज फ्लड इन द टाइम्स ऑफ नोहा, द कंप्लीट earth was filled with water. But I have a word for you. But even though the water completely immersed the earth, there were some plants, there were some trees which was so strong enough, even it could hold the power flow of the water. Are you there? Why did God plant you inside a church? Why did God bless you? So that you can be a influential person in the place, community, area, church, family, wherever you are. You should grow, grow, grow. That was the reason Moses told him. Moses used these words to bless जोसेफ एंड हिज फैमिली. योसेफ और उसकी परिवार को आशीष करने के लिए क्या करते हैं, मूसा इस पद की प्रयोग किया. ही वॉज द ब्लेस्ड वन इन द लैंड. हाउ कैन यू नो ए पर्सन इज ब्लेस्ड और नॉट? एक व्यक्ति आशीष पाया है कि नहीं, कैसा पता चलेगा? हिज रूट्स आर सो स्ट्रॉन्ग so that nobody can uproot him, and he will be the person first and influential one who will receive the first rain, who will receive the first dew. He will be the first person to receive the fresh waters from the below. He is called blessed. Uske baad kya kaha gaya? What does the verse 15 says? It says the best radiance streaming from the sun, the best moon has to offer. Hello, Joseph received the best radiance. Hello, plants need sun rays. Why? For photosynthesis. So, what does it say about Joseph? Joseph receives the best radiance streaming from the sun. Why? If the radiance of sun falls on the tree,
फॉल्स ऑन द प्लांट, फॉल्स ऑन द लीफ, इट विल बी ग्रीन. दैट्स द थिंग इन साइंस 1:3 इट सेज. कभी भी उसकी पत्ते क्या नहीं होंगे, सूखेगी नहीं. नेवर 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 डज द लीव्स ऑफ द प्लांट विदर. व्हाई? इट रिसीव्स वाटर, इट रिसीव्स द रेडियंस फ्रॉम द सन. हेलो, इफ यू आर ब्लेस्ड यू विल रिसीव द बेस्ट रेडियंस फ्रॉम सन. With the precious fruit of the sun, if there is radiance of sun on the plant, it will give the best fruit. Why? Because through the root, it gets the best fresh water. Through the soil, it gets the best nutrients. Through the sun, it receives the best radiance. So that the process of photosynthesis can be perfect. If the photosynthesis process is perfect, obviously it will give its best fruit. Hello? And what does it say? The best the moon has to offer. Even the moon gives its best. Why? So that there can be precious production inside the tree. It says about Joseph. Joseph is a fruitful vine and he received everything the best. If it is so, then think, you are. Here, the Bible represents Joseph as Jesus Christ. We receive Jesus Christ. That's the reason we are inside the church. If we receive Jesus Christ, if Jesus received his best, then he can give you the best. So be fruitful. You are fruitful. You are blessed. You receive the best water you need. You receive the best radiance you need. You receive the best offers from the sun. You receive the best produce. The thing is that, start influencing others. Start giving all your blessings to others. Start sharing your blessing. That's the reason he planted you inside the farm. That's the reason he planted you inside the church. That's the reason he used you. Hello. And what does the next verse says? If we come to chapter 15th verse, it says 33 verse 15. What does it say? With the best things of the ancient mountain and with the precious things of the everlasting hill. With the best produce of the ancient mountain and the bounty of the eternal hill. Hello. Beauty pouring off the tops of the mountain and the best of the everlasting hill. It will be very beautiful things seen on the mountains. Hello. Even from distant places, people can see your beauty. People can see your blessings. People can see your freshness. People can see your leaves. People can see your beautification. Are you there with me? Even from the ancient mountains. Two phases, ancient mountain and everlasting hill. Two factors, past and future. Joseph had a bad past. His brothers sold him. They were the persons who came to seek for food.
दे डिंट इवन नो दैट इट वॉज हिज ब्रदर. दे जस्ट केम एंड आस्क्ड फॉर इट. बट जोसेफ न्यू देम. हेलो, गिव योर बेस्ट प्रोड्यूस टू द पीपल हु हर्ट यू द बेस्ट. हेलो, आर यू देयर विथ मी? गिव योर बेस्ट प्रोड्यूस टू द पीपल हु जस्ट यूज यू, हु परसिक्यूट यू. गिव द बेस्ट एंड से आई एम ब्लेस्ड एनफ, I am fruitful enough. I am not like you. I have some better qualities. I have some better production inside of me. I have something. Bless the thing inside of me. Because there is a God that's residing inside of me. There is a fellowship. There is an intimacy which I have with God. And I act as if God. I represent God. I have a quality to show. There is a God that exists. Hello. Why did God bless you? Why did God give you everything? Prove you are an ambassador of God. Prove that there is a God living inside of you. Prove your supplier is God. Prove you are standing, it's because of God. You have everything, that's all because of God. Prove it off. That's the reason there is a phrase where when people use it. Action speaks better than words. Hello. As a Christian, as a church, let's prove our actions. Show our produce through our actions. Show our fruits through our actions. Hello. People can see you from the ancient mountains. Why? Because they see all your leaves. They see all your fruits. They see all your freshness. They see all your beauty. They see all your blessedness. Hello. That was the quality of Joseph. And what does the next verse say? 16. With the precious things on the earth and its fullness and the favor and goodwill of him who dwelt in the bush, let these blessings come upon the head of Joseph and upon the crown of the head of him who was distinguished as a prince among his brothers. Hello. The best earth exuberant gifts, the smile of the burning bush dweller, and this on the head of Joseph, on the brow of the consecrated one among his brothers. Hello. Joseph was such a person such a blessed person who received all the best things on the earth with its fullness, and he got the favor and goodwill from God even though he dwelt in bush. Hello. He dwelt in bush, yet he received all his best. Hello. Are you there with me? I am speaking to Joseph. Hello, is there any Joseph? Koi Joseph hai kya?
लो द बेस्ट ऑफ द अर्थ इज इनसाइड ऑफ यू. द प्रेशियस थिंग्स आर इनसाइड ऑफ यू. यू रिसीव्ड ऑल योर फुलनेस. यू रिसीव्ड ऑल द फेवर. यू रिसीव्ड ऑल योर गुडविल्स. इवन दो यू dwelt among the bush. And the last words of Moses is that, let these blessings come upon the head of Joseph and upon the crown of the head of him who was distinguished as a prince among his brothers. Hello. His brothers could not be prince. What does prince represent? If you are born to a king, you are called prince. What about Joseph's brother? They were not called prince, but Joseph was called prince. Why? Because his king was God. Parmeshwar uske prabhu the. God was his master. God was his king. His intimacy was with God. And how anyone could stop him to be the prince? Kaun usko rok sakta hai? If you are God's, if your father is king, if your God is king, obviously you will have the quality of being the king. It's called the prince. But his brothers could not get that quality. Uske bhai us shreshthata ko pa nahi sake. Magar Yusuf ko us shreshthata mila. Kyun? Why? Because he was fruitful. If you are fruitful, you can represent God. You can be ambassador for God. Are you there, people? If Joseph was such a person who was influential, even though you should be influential, because you are the part of the church. Tum kalisya ke ek bhag ho. तुम कलीसिया के एक सदस्य हो. यू हैव बीन सेव्ड. यू हैव बीन कॉल्ड. यू रिसीव्ड द स्पिरिट विच गॉड गेव यू. परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर आपको दिए. यू रिसीव्ड एवरीथिंग बेस्ट ऑन अर्थ. इट्स टाइम to bless the world with your fruit. Apne phal purnata ko logo ko dikhao. Let people see from the mountains. Let people see from the eternal hill. Are you there with me? Let people see those who sold you. Let the future generation know that there was a person called Joseph. His life was so fruitful. We can't even stop speaking about Joseph. Hello? What influence do you have for the future? What influence you left for your past? What people can see from your past and from for your future? Right now the Spirit of God is asking you. You received the best radiance.
यू रिसीव द बेस्ट वाटर्स, यू रिसीव द बेस्ट ड्यू, यू रिसीव द बेस्ट फार्म, यू रिसीव द बेस्ट प्लांटर, यू रिसीव्ड एवरीथिंग बेस्ट. नाउ इट्स योर टाइम टू शो आई हैव समथिंग. दैट्स द फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, द ब्लेस्ड फैक्टर, द ब्लेसिंग्स. स्टार्ट गिविंग इट टू द वर्ल्ड, स्टार्ट प्रूविंग इट टू योर एनिमीज, शो इट योर नेबर्स, शो इट योर हेट्रेड्स, शो इट योर पर्सिक्यूटर्स, शो इट टू योर पीपल हु आर यूजिंग यू. लेट देम ईट द स्वीटनेस ऑफ योर फ्रूट. By receiving your fruit, let them be like you. Let them receive the God you receive. Let them be saved as you are saved. Let them receive the Spirit which you received. Let them be ready for the eternity. Hello. I just want to conclude today's message. Are you a fruitful one? Blessed is the person who is with God, who has intimacy with God. He will be fruitful. He will be ready with his fruit in every season. He will be like Joseph, fruitful enough. He received his best and he gave his best. It's time for you to think. It's time for you to develop such a quality. God planted you inside a church. God used church as an example to represent the plantation or a farm. It's time for harvest of fruits. Are you ready for it? Let's bow our heads, close our eyes, ask God, let the Spirit of God guide you. Speak to God. Say to God, Lord, I want to be fruitful. I am inside the plantation. I am inside the church. I am planted. I receive the best waters. I receive the best dew. I receive the best sunshine. I receive the best radiance. I received everything. God, give me your favor. Give me your fullness so that I can produce the best fruits. Let the ancient mountain see it. Let the past generation see it. Let the future generation see it. Let the eternal hills speak about the greatness of the fruit. Let's pray. Heavenly Father, we come into your presence, Lord. Make us fruitful, Lord. We are the walking temple of God. The Holy Ghost is inside us. We want you to be fruitful inside of us, Lord. Let the blessings which is inside of us be useful to the land where we live. Let it be useful to the neighbors next to my house. Let it be useful to the people who are away from God. Let it be useful for the persons who are persecuting me. Let it be useful for the persons who are using me for their benefits. Let it be useful for the people who just slam on me. Let it be useful for the people who didn't even know about God. Thank you, Lord. Let your mercy, let your grace, let your favor, let your love completely abide in us, Lord. Equip us with your word. Teach us to pray, Lord. We ask everything in the name of Jesus, and all the people said, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all.